नमस्कार। इंदु आइडियल तड़का रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको महानवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल दशहरा है तो मैं आज दशहरा की खास रेसिपी लेके आई हूँ, जो साउथ इंडिया का स्पेशल रेसिपी है। इसका नाम है रावण भात। आज मैं रावण भात बनाऊंगी, जो कल के दिन खास तौर से ज़रूर बनाया जाता है साउथ इंडिया में। तो आप देखिएगा, आप कभी भी बना के खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो आप कोई भी चावल जो भी आप खाते हैं चावल घर में, वो ले सकते हैं और इस तरह से धो के साफ़ करके, और थोड़ा सा आधे घंटे के लिए मैं भिंगो दी थी, और उसके बाद यहाँ पानी में अच्छे से बॉयल आ गया है, तो इसमें मैं चावल ये डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो बस इसी तरीके से बनाना है, बॉयल करके ही। आप कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे बनाने से ज़्यादा अच्छा बनता है, क्योंकि वो चिपकने लगेगा कुकर में बनेगा। तो इसको कम पकाना है, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। और यहाँ देख सकते हैं, ये दाल को भी मैं साफ़ करके और एक घंटे के लिए भिंगो के रखी थी। एक डेढ़ घंटे में अच्छा भिंग जाता है, ये चना का दाल है। तो इसमें से थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूंगी। चावल ली हूँ, अपने हिसाब से आप ले सकते हैं चावल और दाल भी, जितना क्वांटिटी इसमें डालना चाहे। तो दाल बहुत कम डालते हैं, थोड़ा सा उसमें बस हल्का फ्लेवर और टेस्ट आएगा उसका। और चावल अपने हिसाब से आप ले लीजिए, जितना आप बनाना चाहते हैं अपने फैमिली के लिए। तो बस इस तरीके से ये बॉयल हो गया है, मतलब कि पानी अच्छे से बॉयल आ गया है, फिर ये डाली हूँ मैं। और यहाँ देखिए, 5-7 मिनट में ही ये बॉयल हो गया है। तो पूरी तरह से नहीं पकाना है, 80% तक इसको कुक करना है चावल को, 20% इसमें रहने देना है। जैसे पुलाव वगैरह के लिए हम लोग बनाते हैं ना, पुलाव भी बनाते हैं कई बार, तो इस तरह से करके आप फिर बाद में उसको पकाते हैं। तो इस तरीके से बनाना है इसको, बहुत ही टेस्टी बनता है। और दाल मैं इसमें थोड़ा डाली हूँ और थोड़ा बचा के रखी हूँ, आप देख सकते हैं। तो इसको आगे देखिए, इसका पानी निकालेंगे अभी। तो आप छन्नी में भी निकाल सकते हैं और ड्रेन करके भी निकाल सकते हैं, मैं यहाँ दोनों तरीका दिखा रही हूँ। और ये देखिए, ऐसे करके भी आप इसका पानी निकाल दीजिए। ये जो होल वाला छनौटा होता है ना, छन्ना भी बोलते हैं इसको, छनौटा भी बोलते हैं, तो इससे आप ऐसे करके निकाल सकते हैं पानी इसका। और देखिए, उसको उठा के भी इसका मार जैसे निकालते हैं उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो बस इसका पानी निकाल देना है और उसके बाद इसमें बनाना है। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये रावण भात, आप ज़रूर एक बार बना के देखिएगा। इसको इमली भात भी बोला जाता है और रावण भात भी बोलते हैं। और यहाँ देखिए, गल गया है, दाल जो है ना अच्छे से हाथ से दब रहा है, मतलब पक चुका है। और यहाँ मैं कढ़ाई ले आई हूँ, इसमें डाल दिया है रिफाइंड तेल। तो इसमें सरसों तेल नहीं डालेंगे, उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा इसमें। तो इसमें ये जो भी आप उसके अलावा तेल खाते होंगे वो इसमें डाल लीजिए। और यहाँ डाल दिए हैं 2-3 लाल मिर्च और थोड़ा सा मूँगफली, तो ये ज़रूर डालिएगा इसमें, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसमें, लाल मिर्च का तड़का, और टेस्ट भी आएगा और थोड़ा सा तीखापन भी देगा ये। और इसमें डालेंगे करी पत्ता। करी पत्ता तो इसका विशेष है, साउथ इंडिया का रेसिपी है, तो इसमें तो करी पत्ता पड़ता ही है। और मैं डाल दी सरसों दाना, तो सरसों दाना भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो ये करी पत्ता मेरे पास बिल्कुल सॉफ्ट वाला था, जो आपको धनिया की तरह दिख रहा होगा, लेकिन ये है करी पत्ता, नया करी पत्ता निकला था ना, वही है। तो वो मैं यहाँ पे डाल दी हूँ थोड़ा सा। और ये देखिए, इमली का पानी मैं तैयार रखी हूँ, इसको इमली को घोल दी थी मैं, और उसको छान के पानी इसका निकाल करके रखी हूँ अच्छे से। तो ये खटाई आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डालिएगा, और विशेष मसाला वगैरह इसमें नहीं पड़ता है। थोड़ा सा मैं यहाँ हल्दी दे रही हूँ, आप चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। और थोड़ा मिर्ची पाउडर, चटपटा तीखा बनाने के लिए इसको, क्योंकि खटाई के लिए तो इमली यूज हो रहा है। और यहाँ पे डाल दिए हैं थोड़ा सा टमाटर कट करके, आप के लिए ये ऑप्शनल है, टमाटर भी चाहे तो डाल दीजिए, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। टमाटर के बिना भी ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनता है। मैं थोड़ा सा टमाटर इसमें ऐड कर दी हूँ, और यहाँ इसमें फ्राई होगा। इस टाइम इसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं, और थोड़ा दाल जो मैं बचा के रखी हूँ वो भी इसमें ऐड करेंगे। इस टाइम देखिएगा, थोड़ा सा ये भुन जाए, टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, और बस इसको ढक्कन वगैरह नहीं लगाना है, धीरे धीरे इसको बस देख लेंगे तुरंत। ये तो तेल में नमक डालने के बाद गल जाता है, टमाटर भी हल्का पक जाएगा, और फिर उसके बाद बनाएंगे। ये देखिए, दाल भी इसमें डाल दिए, दाल थोड़ा फुला हुआ है, तो इसके साथ मिक्स होकर के थोड़ी देर बाद में भी ढकेंगे तो अच्छा गल जाता है, पक जाता है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बना है ये, आप ज़रूर एक बार बना करके देखिएगा इसको। और ख़ास तौर से कल जो है ना दशहरा, दशहरा के दिन ये बहुत, मतलब कि साउथ इंडिया में बनाया जाता है, और बहुत टेस्टी लगता है ये। तो आप भी एक बार ज़रूर इसको बना के देखिएगा। और ये देखिए, बस यहाँ पे भून के अब तैयार हो गया है ये। अब डाल दिए इसमें इमली का जो निकाल के रखे हैं ना, पल्प या पानी जो बोलते हैं वो, तो बस इसमें डाल देंगे। और हाई फ्लेम में ही यहाँ पे थोड़ा सा पकाएंगे इमली के पानी को, कच्चा नहीं छोड़ना है इसको, अच्छे से बॉयल होने देना है। थोड़ा देर पकेगा, 2-3 मिनट, तभी इसमें अच्छा टेस्ट आएगा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो बस यहाँ पर पक गया है,
देख सकते हैं ये है ना, पकने जैसा दिख रहा है, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा बस। और इसी टाइम इसमें आप जो चावल है वो डाल देंगे, यहाँ देख सकते हैं ये देखिए। तो मसाला अगर आप चाहते हैं तो इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो कोई भी मसाला की इसमें ज़रूरत नहीं है। बस वो मिर्ची पाउडर थोड़ा सा हल्दी मैं ऐड की थी और कुछ नहीं, बस इमली का जो पल्प है ना वही डालते हैं, उसी से बहुत ही यम्मी चटपटा टेस्ट आता है। और ये जो तड़का मैं डाली हूँ राई मतलब काला सरसों और करी पत्ता और लाल मिर्ची, इसका टेस्ट आता है, बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। और इसमें इसके साथ खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही आप खा सकते हैं। इसमें नमक है डाला हुआ और बाकी एक दो पीस इसमें जो आएगा दाल और ये जो है ना मूंगफली, बस इतना ही से बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। आप ज़रूर बना करके देखिएगा, पसंद आया है रेसिपी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये कई लोग नहीं भी बनाए होंगे तो एक बार ज़रूर इसको बनाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट है। देखिए इस तरह से बस मिक्स कर देना है अच्छी तरीके से। और यहाँ देखिए 2 मिनट के लिए अभी ढक देंगे इसको, है ना, 2-3 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। जो उसमें थोड़ा सा कसर था ना चावल में, वो बस तुरंत ही इसमें फ्लेवर के साथ ही ये थोड़ा सा पक भी जाएगा, बस बहुत जल्दी पक जाता है ये चावल, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये पक के तैयार है, तो बस ये आप लीजिए, इंजॉय कीजिए। और फिर इस तरह की और भी नई रेसिपी और नए ब्लॉग के साथ मैं जल्दी ही हाजिर होंगी। तो आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से दुर्गा पूजा आप लोग मनाए होंगे, और आज भी बहुत लोग मेला वगैरह देख रहे होंगे, घूम रहे होंगे, तो मैं भी थोड़ा सा घूमी हूँ, तो उसका ब्लॉग जल्दी ही लेकर के आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर तब तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अभी तक नहीं किए हैं तो। और आप सबको दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।